हुआ भी कह रहा है कि ले लो अब तो। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, और ज्यादा मैं अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकती हूँ। ये दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर माय वॉइस क्लैरिटी एंड ऑल। टीवी स्लो कर दो, बहुत तेज आवाज आ रहा है। ओह हाय 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 मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निका के आई शेडो पैलेट रिव्यू कह सकते हो आप। एंड जो मैंने ये आई मेकअप किया है, ये मैंने इसी पैलेट को आज यूज करके किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। जब मैंने इसे लिया था, आपको मैंने बताया था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पैलेट से मेकअप करने के लिए। एंड ये आई शेडो पैलेट की प्राइस है 600, बट मुझे ये 300 में मिला था, यस 50% ऑफ में। और ये मैंने कई बार देखा, जब भी नायका पे सेल आता है, नायका पे अक्सर सेल आता है, तो जब भी सेल आता है ये हमेशा 300 में मिल जाता है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आई थिंक 6 डिफरेंट शेड्स आते हैं। एक इनका ये शुगर प्लम बहुत फेमस है, और एक एप्रिकॉट ऑटम करके कोई शेड है, मुझे पता नहीं। इनके जो 6 डिफरेंट शेड रेंज आते हैं, उसमें से मैंने पिक किया था दिस मॉविश टोन ऑफ कलर, बिकॉज आई लव पिंक कलर एंड ब्लू कलर, मुझ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद से खुद की तारीफ, यस मैं कर रही हूँ। और इनका मैंने सोचा है कि ये मुझे इतना पसंद आया और इतना ट्रैवल फ्रेंडली लगा, मुझे ये अच्छा लगा। मुझे बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसमें मिरर नहीं है यार। तो बार बार जब भी मुझे प्रोडक्ट लेना है, मैं ऐसे करके प्रोडक्ट ले रही हूँ, फिर मैं इसको रख रही हूँ, फिर मैं मेकअप मिरर में देख रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे बस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी मुझे ये आई शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं इनका एक और ज़रूर परचेज करूँगी, एंड लिटरली बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। अगर आप 300 एक मिनट के लिए छोड़ भी दो, इसकी प्राइस पकड़ता है 600 वाली, बेस्ट है। अगर आप बिगनर हो, आपकी शादी होने वाली है, या फिर आप टीनेजर हो, जो भी हो, आप ज़रूर ले सकते हो। और यहाँ 9 शेड मिलता है, जिसमें से आई कैन टोटली सी कि 3 मैट शेड है, बाकी सारे शिमर शेड है। आपको जो मैट शेड मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 पिंक है जो कि डिफरेंट टोन के हैं, एंड एक मॉव कलर है जो कि बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन वगैरह। अगर मैं आपको रैंडम एक ऐसा दिखा दूं ना, जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, मतलब मेरे फिंगर से उतर के यहाँ पे लग गए, इतनी अच्छी वाली पिगमेंटेशन ये आई शेडो पैलेट की है। मैं डेफिनेटली एक और लूंगी, जरूर जरूर जरूर। और इसकी जो प्राइस है, जैसे मैंने पहले बता दिया, 600 की है, 300 में मिली थी। और ये निका के का शुगर प्लम है, जिसकी नेट क्वांटिटी है 11.7 ग्राम्स, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड थिंग। और ये फ्लिमजी नहीं है कि आप ऐसे ट्रैवल में टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ मुझे लगा कि अगर इन्होंने छोटा सा ही एक बस आईज को देखने के लिए भी मिरर दे दिया होता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। एनीवेज, मैंने ये आई मेकअप जो है इसी पैलेट को यूज़ करके क्रिएट किया है, तो आप एक बार प्लीज़ देख लो। इस आई मेकअप को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आगे, हमेशा की तरह मेरी वीडियो में। और ये आई शेडो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वॉन्ट टू बाय आप ले सकते हो। तो चलो देख लेते हैं एप्लीकेशन इस आई मेकअप का। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि मैं इस मेकअप को पहले से आपको या तो शेयर कर दिया होगा मैंने, या तो इसका फेस मेकअप मैंने कैसे किया था वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो मैंने यहाँ पे आई शेडो को लिया है, जिसमें से मैंने मैट शेड को लिया है, मॉव मैट शेड। एंड ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड है, एंड बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। निका के एक और ऑलरेडी मेरे पास 23 मैट आई शेडो कलर्स हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास मतलब मैट कलर्स सारे के सारे थे, और यहाँ पे मुझे शिमर वाले ज़्यादा मिल गए, 6 शिमर शेड्स मिल गया मुझे। तो मैंने इसे ब्लेंड किया अपने क्रीज पे अच्छे से, जिस तरह से आप देख रहे हो। और ब्रश का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर नहीं मिला तो कुछ बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे दूँगी। अभी मैंने ये डिफरेंट टोन ऑफ पिंक कलर लिया जो कि हल्का सा डार्क है, और मैंने उसे अपने आउटर वी पे पहले प्लेस किया है, और अपने क्रीज में मैं उसे बिल्ड कर दूँगी, जस्ट लाइक अ ब्रिज। ओके, और धीरे धीरे जब मैं ब्लेंडिंग करूँगी तो आप देखना एंड रिजल्ट क्या बन के आएगा। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से स्मूथ फिनिश, एकदम डार्क से लाइट दिख रहा है ना, क्योंकि हमने 2 डिफरेंट टोन को यूज़ किया है। अभी मैं ये पर्पल टाइप ऑफ कलर है, इसे मैं पिक कर रही हूँ और अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा रही हूँ। आप भी फिंगर की हेल्प से कोई भी शिमर शेड को लगाना, और मैंने पूरे अपने लिड्स पर लगाया, मेक श्योर किया है जो मैंने कलर लगाया था वहाँ तक ना जाऊँ, बस उसके नीचे नीचे ही रहूँ मैं। और वो मैंने अप्लाई करने के बाद हल्का सा
मैंने मुझे फील नहीं हुआ कि मैं ब्लेंड करूँ। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ ब्लेंडिंग, बट किया नहीं। फिर ऑफ कैमरा मैंने सेकंड वाला आइज कंप्लीट किया है एंड इसके बाद मैंने अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट किया है, जिसमें जो उसमें सबसे लाइटेस्ट शेड था थोड़ा सा पिंकिश टाइप ऑफ या फिर एकदम लाइट वाइट कलर का, वो यूज़ किया मैंने अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। फिर जो ये डिफरेंट टोन ऑफ पिंक था मैंने उसे अपने लोअर लैश लाइन पर लगाया। ओके, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। लोअर लैश लाइन को आप कभी भी स्किप मत करना, वरना आपका आई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। और अभी मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई भी फॉल आउट वगैरह अगर मेरे फेस पे हुआ है तो वो हट जाए। अभी फेसेस कनाडा का काजल ले रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है काजल। मुझे लगता है कि मैं शायद इसी पे स्टिक रहूँगी अभी, बिकॉज ये बहुत सस्ता भी है, 170-180 रुपीज़ का आता है। इतना ज़्यादा अच्छा परफेक्ट ब्लैक है और एक बार लगा लो तो फिर छुट्टी, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनफैक्ट। और इसके बाद मैं जो है अप्लाई करूँगी, आई थिंक यस, ये मॉव कलर। तो मॉव कलर मैंने डेप्थ देने के लिए किया है, बिकॉज मेरी आईज़ में डेप्थ नहीं आता। अच्छा, मैंने लेंस लगाया, अगर आप नहीं चाहते हो आप टोटली स्किप कर सकते हो। आई लाइक लेंस, मैंने ख़रीदा है तो मैं यूज़ ऑब्वियसली करूँगी। अगर मैंने नहीं ख़रीदा होता तो मैं यूज़ नहीं करती। पैसा इन्वेस्ट किया है तो आई हैव टू यूज़। अभी मैंने एक ब्लैक कलर लिया है जो कि शुगर के आई शेडो का है। डोंट वरी, शुगर के आई शेडो का भी आई मेकअप आएगा। तो अभी मैंने ब्लैक कलर उन्हीं का जो ब्रश होता है उसी में से लेके अप्लाई किया। मुझे अच्छा लगा ये ब्रश अप्लाइंग ब्लैक कलर, और ये बहुत मैट ब्लैक कलर है, लेट मी टेल यू दिस, एकदम ब्लैक था। अभी मैंने एक ये आईलाइनर टाइप ऑफ ब्रश लिया है, ये मुझे उसी सेट डिफरेंट शेड में मिला था पूना स्टोर के। तो मैंने इससे स्मोकी आईलाइनर लगाया। जब भी मैं स्मोकी आईलाइनर करती हूँ ना, मुझे मेरी आईज़ बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि आईलाइनर क्या करता है ना, बिल्कुल डार्क सा एकदम आईज़ को दे देता है। बट अगर आप स्मोकी आईलाइनर लगाओगे तो आईज़ में डेप्थ आती है और आपकी आईज़ लिफ्टेड दिखती है। बहुत एकदम प्रोफेशनलिज्म टाइप का आपका मेकअप दिखता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और मैंने ऐसा करना छोड़ दिया था, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस से करना स्टार्ट करूँ, बिकॉज आई लाइक स्मोकी आईलाइनर। और ये बहुत आसान भी होता है, इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी है। तो अभी मैंने स्मोकी आईलाइनर को अच्छे से ब्लेंड किया है, एंड फ्लीक आउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी लिटिल ओवरडो। एंड इसके बाद मैंने लोटस का मस्कारा अप्लाई किया, बोटानिकल मस्कारा है ये, और ये लिटरली इतना अच्छा है। आई थिंक ये वाटरप्रूफ है और ये इतना ज़्यादा अच्छा है, बस आपको मस्कारा देखते हुए लगाते वक्त नीचे देखना है और आपको मस्कारा लगाना है, अच्छे से कोट करना है। ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि मेरे लैशेस को उसने बहुत अच्छा कोट किया। एंड यस, मेरा आई मेकअप कंप्लीट है, लिपस्टिक लगा लिया था मैंने, मैरी पॉपिंस, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। लिटरली ये लुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद आया, ही वॉज़ लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग मी कि पिंक ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही वॉज़ क्वाइट लाइकिंग इट। तो आप भी मुझे अपना फीडबैक देना, आपको अच्छा लगा या नहीं। एंड येस, दिस इज़ माई टूडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइज इन्जॉय इट। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। येस, बाय बाय, टेक केयर।